ये देखिए हमारा शाही टोस्ट या शाही टुकड़ा बनके तैयार। मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। वाओ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम स्वाति है और आप मुझे देख रहे हैं स्वाति की किचन में, जिसकी टैगलाइन है कुक फूड विद लव। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टोस्ट, और कुछ जगह पे इसको बोला जाता है शाही टुकड़ा। तो आप चाहे शाही टुकड़ा बोलिए, चाहे आप शाही टोस्ट बोलिए। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आई हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है आधा लीटर दूध, और ये मैंने चार ब्रेड ली हुई है, ये हम व्हाइट ब्रेड की बनाएंगे। और साथ में मैंने ली है चीनी, 100 ग्राम मैंने चीनी ली हुई है, यानी कि आप 1 कप चीनी ले सकते हैं। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, ये मैंने बादाम लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, और कुछ मैंने लिए हैं काजू, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और देसी घी ब्रेड है, उसको हम देसी घी में सेकेंगे। और मैंने लिए हैं एक बाउल में अनार के दाने। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें दूध डाल के हम रबड़ी बनाएंगे। हम यहाँ पे 3 स्टेप में इसको बनाएंगे। यहाँ मैंने दूध डाल दिया फ्राई पैन में और फुल गैस पे मैंने कर दूंगी, और इसकी हम बनाएंगे रबड़ी। तो इसको हम चलाते हुए ही इसको बनाएंगे, अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो ये है ये हमारे नीचे लग जाएगी। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और दूसरी गैस में मैंने एक और फ्राई पैन ले लिया है, हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, यानी अगर आप नापेंगे तो ये 100 ग्राम चीनी है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी को नाप के मैं 2 से 3 कप पानी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाल दिया है। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल चाशनी हमें चाहिए। तो इसको भी हम फुल गैस पे कर देंगे। इसमें हमारे जो चाशनी हम बना रहे थे, इसमें हमारी जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। ये हमारी अच्छे से जो है चाशनी बन जाएगी। इसलिए हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमें नॉर्मल चाशनी की तरह ये बनानी है। और बीच बीच में हम अपनी जो ये दूध हमने जो रखा था वो भी हम चलाते रहेंगे। जब तक दूध हमारा ये आधा नहीं हो जाता, हम इसको चलाते हुए बनाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो दूध की जो रबड़ी बनने के लिए जो रखी थी वो हमारी हो चुकी। हम इसको 2 से 3 मिनट और चलाएंगे अभी। और इधर हमारी जो चाशनी रखी थी ये भी हमारी हो चुकी है। देखिए, हमें बस ऐसी ही चाशनी बनानी है। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने जो चाशनी बनाई थी उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और दूसरी साइड मेरी जो रबड़ी हमने बनने रखी थी, इसमें हम अब चीनी डाल देंगे। मैं इसमें 1/2 कप चीनी डालूंगी, ये बहुत, क्योंकि हमारी जो चाशनी है वो भी बहुत मीठी है। तो इसमें मैंने 1/2 ही कप चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और दूसरी साइड में मैंने एक फ्राई पैन में देसी घी गर्म होने रख दिया है, और गैस को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है मैंने। और तब तक हम अपनी रबड़ी में जो है वो ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। हमने भी कुछ चॉप करके रखे थे बादाम काजू, तो इसको मैं डाल देती हूँ थोड़े से, और थोड़े से हम ऊपर से डालेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। और गैस को फुल कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, मैंने एक कटोरी ली हुई है और इसको मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। आप जिस शेप में बनाना चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं। और इसको मैं इसको रख के इसको दबा दूंगी, और ये हमारी जो है वो राउंड शेप में बन जाएगी। और इस जो किनारे हैं हम इसको निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमारी जो है ये जो है राउंड शेप में हमारी बन चुकी है। इसी तरह हम सारी ब्रेड को राउंड शेप में बना लेंगे। मैं एक और बनाती हूँ। और इसको हम किनारे से निकाल देंगे। देखिए, हमारी इस तरीके से बन गई है दो। हम एक और बना लेते हैं। मैंने राउंड शेप में बना ली है। अब हम अपनी रबड़ी जो हमने बनाई थी ये भी हमारी हो चुकी है, और हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में निकाल लेते हैं।
देखिए मैंने जो देसी घी गर्म होने के लिए रखा था ये हमारा हो चुका है, और हम इसमें एक ब्रेड डाल देंगे एक एक करके, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और ये झटपट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। हमने इसको 3 स्टेप में बना के तैयार कर ली है। मैंने सेक ली है और हमारी चाशनी भी बनके तैयार है, रबड़ी भी बनके तैयार है, और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे अनार के दाने लिए हैं और बादाम और काजू लिए हुए। अब हम इसको लगाते हैं प्लेट पे। मैं जो एक ब्रेड है इसको मैं चाशनी में डालूंगी पहले, और इसको मैं एक प्लेट पे रख लूंगी, और एक ब्रेड मैं और इसमें और डाल देती हूँ चाशनी में। तब तक हम इस पे रबड़ी लगा लेते हैं। और जो ब्रेड मैंने डाली थी चाशनी में एक और, ये भी मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, और इसके ऊपर हम रख देंगे, और फिर हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। और गार्निश के लिए हम इसमें बादाम लगा देंगे। जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। ऊपर से हम डालेंगे ये अनार के दाने। देखने में कितना हमारा कलरफुल लग रहा है। ये शाही टोस्ट बनके तैयार है। देखिए हमारा शाही टोस्ट कहिए या शाही टुकड़ा कहिए, बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।